ये बहुत अच्छा कदम है उनके लिए कि उन्होंने ये पेड़ों का जो भार, जो जो पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, हमें इतना अच्छी वायु देते हैं, हम उसका ध्यान नहीं रखते, केवल लगा के हमारी जिम्मेदारी ख़त्म नहीं होती है, हमें उसको बड़ा भी करना है, उसको बहुत बड़ा करना है ताकि अपने बच्चों को हम कुछ दे के जाएँ। तो ये जिम्मेदारी डॉक्टर अनुपमा शर्मा, सुनील शर्मा ने निभाई है और ये संदेश भी दिया है कि जो हम कर रहे हैं वो सारे लोग करें ताकि हमारी जो घर है, हमारा नर्सिंग होम है, उसके सामने की वायु पोल्यूशन रहित रहे, तो काफ़ी जगह ऐसा हो जाए तो ताकि सारा वातावरण शुद्ध हो जाएगा। तो बस यही एक कदम सराहनीय है उनका और हम सब चाहते हैं कि यहाँ हम आए हैं तो कुछ सीख के जाएं और हम अपने घर के सामने भी पेड़ लगाएं, हर एक सड़क को गोद ले लें ताकि हम उस गोद लेके हम उस सड़क को स्वच्छ रख पाएँ और पेड़ लगा पाएँ और वातावरण को प्रदूषण रहित कर पाएँ। मैं कह तो नहीं सकती हूँ लेकिन कोशिश करूँगी जितने ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगा सकूँ और इनको मतलब मेंटेन कर पाऊँ। हाँ, हमारे एरिया में बहुत अच्छा ये है, बहुत ही ज़्यादा पेड़ पौधे लगे हैं, सारे लोग जितने हैं उस कॉलोनी के सभी लोग बहुत इंटरेस्ट से पेड़ पौधे लगा रहे हैं वहाँ पे एंड उनको मेंटेन कर रहे हैं। पहली बात तो ये है, लगा के छोड़ देना ही कुछ नहीं है बल्कि उनको आपको मेंटेन करना है, आगे बढ़ा रहे हैं, बहुत हरा भरा एरिया है हमारा। पौधे तो लगे हुए हैं, उन्हीं पौधों को मेंटेन करना मेन मकसद यहाँ पे आने के बाद हमें लगता है, क्योंकि हर क्लब बहुत से लोग पौधे लगा रहे हैं और वही लगा के छोड़ दे रहे हैं, तो उनको उनका ख्याल रखना, उन्हें बड़ा करना और उनकी सेवा करना और अपने बच्चों को सिखाना कि वो पौधों का ख्याल रखें और पौधों को अच्छे से बड़ा करें, मुझे लगता है यही सिखाना चाहिए आगे। ये काम मीडिया हमारा बहुत अच्छी तरह कर रहा है हमारी बात को सब जगह पहुंचा रहा है ताकि सब लोग जागरूक हो जाएं इसके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मी जी।